मऊरानीपुर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। दहेज हत्यारोपियों को पकड़कर भेजा जेल। कई वर्षों से दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे थे तीनों आरोपी। 2016 में दहेज की खातिर घटना को दिया था अंजाम। तीनों हत्यारोपियों पर 25,000 का इनाम था घोषित। लंबे अरसे से पुलिस को थी आरोपियों की तलाश। मुखबिर की सूचना पर मऊरानीपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने दहेज हत्या आरोपियों को मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के बरुआ मोड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को संबंधित धाराओं के साथ जेल भेज दिया। ये बड़ी खबर न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी पर आप देख रही हैं झांसी के मऊरानीपुर से, जहां मऊरानीपुर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। दहेज हत्यारोपियों को पकड़कर जेल भेजा गया। मऊरानीपुर थाने में 2016 से अतुल खरे, रमेश खरे और आशा खरे, जो दहेज हत्या के मुकदमे में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई थी। उसके बाद इनके खिलाफ NBW 82 और 83 कुर्की की गई थी। उसके बाद से ये लगातार फरार चल रहे थे। इनको अगल बगल इनके रिश्तेदारी नातेदारी जगह जगह इनकी खोजबीन की जा रही थी। फिर अंत में पुलिस द्वारा इसमें कहीं से सुराग रस्सी पता रस्सी चली तो इनको कल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। 7 साल से ये कहाँ फरार, कहाँ कहाँ रुके हैं? 7 साल से ये UP MP जगह जगह अपना स्थान बदल बदल कर ये रहते थे। कितना इनाम घोषित था इन सब पे? 2016 से ही नाम घोषित था और इस समय इनके खिलाफ 25,000 का इनाम था। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को कुंवर प्रमोद सिंह राजावत, गौहन पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर मंडल झांसी बसपा जालौन पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी गौहन की ओर से मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को पूर्व सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी की ओर से मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को देवेंद्र सोनी जिला पंचायत सदस्य गौहन की ओर से मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।